खुला आसमान मिला, मिल गई जो आप भगवान हमें, मिल गई जो आप भगवान हमें। ज्ञान सूर्य शिव बाबा के सभी ज्ञान सितारे बाबा के दिल तख्त नशीन बच्चों को विशेष याद प्यार के साथ आज के इस लॉकडाउन के समय में हम कुछ रू रिहान करेंगे। देखो, साइंस के साधन ने दूर बैठे हुए भी हमें समीपता का अनुभव कराया। हो सकता इस लॉकडाउन न होता तो ऐसे रूबरू मिलने का मौका न मिलता, लेकिन इस घटना ने भी हमको सारे ब्राह्मण परिवार को एक साथ जोड़ने का मौका दिया हुआ है। तो भगवान के एक एक महावाक्य जो भगवान ने बड़े से बड़ी बात को सहज करने की जो विधि बताई है, आज मैं विशेष आप सबको इस ब्राह्मण जीवन की पढ़ाई जो स्वयं शिक्षक परमात्मा बैठ करके हमको पढ़ाते हैं, तो भगवान के द्वारा दी जाने वाली जो पढ़ाई इसका सार और विस्तार, और फिर से वो समय आ गया है सार रूप में टिकने का, इस बात को लेकर के मैं आप सबको कुछ रू रिहान करना चाहूँगी। इससे पहले आप सभी ओके, सबके मुस्कुराते हुए चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, सबके मस्तक चमक रहे हैं, सब बाबा की याद में आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। देखो, बाबा अक्सर मुरली में कहा करते हैं, बच्चे पहाड़ जैसी बात को भी राय बनाना। तो मैं समझती थी कि कोई बड़ी बड़ी समस्याएं जब आती हैं उन बातों को छोटा आंकना, लेकिन हमें ये नहीं पता था सारे विश्व के लिए पहाड़ जैसी बात है वायरस की, बीमारी की। और किसी भी ब्राह्मण बच्चों से पूछो तो सब लोग क्या कह रहे, दीदी पहाड़ का रुई राय क्या, हमने तो उसको रुई बनाया।
तो इतनी बड़ी दुनिया की समस्या हमारे लिए कुछ भी नहीं, और उस राय को हमने रूई कैसे बनाया? हमारे जीवन की, हमारे इस जीवन के उन्नति का हमने आधार बना दिया, और पहले से ज़्यादा हमारा योग, पहले से ज़्यादा ज्ञान की गहराई, पहले से ज़्यादा आंतरिक अवस्था पे लक्ष्य ध्यान देने का एक मौका मिला। तो यही तो बाबा ने हम सब बच्चों को छोटे छोटे इन महावाक्यों को याद कराते हुए, जैसे कई दिन बाबा कहते थे कि बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इतने दिनों से तो हम मिलिट्री को बाबा ट्रेनिंग दे रहे थे कि गुप्त रीति से ट्रेनिंग देकर जब संसार में ऐसी स्थिति परिस्थितियां आएंगी तो उस समय में मिलिट्री मैन को क्या करना पड़ेगा, मुस्तैद होकर खड़े होकर इन सब समस्याओं का सामना करने के लिए विश्व को सहयोग देने का भी समय आ चुका है। तो मैं वो देख रही हूँ तो कैसे बाबा के एक एक महावाक्य सार्थक हो रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप अपने पूरे जीवन का आंकलन करके देखो, तो जो भी जीवन का आंकलन करेंगे, क्या जो ये लॉकडाउन का समय जो मिला हुआ है आपके जीवन में ऐसा निश्चिंत होकर शांति के साथ परिवार के साथ बैठने का मौका कभी मिला था? पूरे जीवन का आंकलन करके देखिएगा, ऐसा समय आज तक कभी नहीं मिला। अब इस मिले हुए समय को हम भुनाए कैसे? जैसे मैं तो रोज अपने लिए यही सोचती हूँ, सवेरे आँख खुलते ही भगवान के द्वारा मुझे 12 ब्लैंक चेक्स मिल रहे हैं, अब इसको भरना मेरा काम है। रोज सवेरे उठ करके बाबा को गुड मॉर्निंग, और बाबा ने मुझे आज का दिन और अच्छी कमाई के लिए दिया, अच्छा बनाना ताकि ये दिन मेरे जीवन के लिए यादगार बन जाए, यही मेरा संकल्प है। चलिए अभी कुछ ज्ञान की बातें हम करेंगे। बाबा तो हम सबको 1936 से लेकर इतने ज्ञान की गहराइयों को स्पष्ट करके, योग से भरपूर करके, धारणाओं से संपन्न बनाकर सेवा के क्षेत्र में हम सबको खड़ा किया। तो मैं देख रही थी कैसे बाबा ने आदि में, शुरुआत में यज्ञ की स्थापना की थी, 14 साल तपस्या कराया। सभी भाई बहनों के मन में एक बार जरूर आता है, अगर हम भी शुरुआत में होते तो ये जो समय, जिस भी बच्चे को शिकायत है उस शिकायत को दूर करने का समय है। हर बच्चा ये सोचे कि बाबा ने मुझे एक सुंदर सा अवसर दिया है। कैसे कराची में, हैदराबाद में बाबा ने सब बच्चों को तपस्या कराया था, आज भी वही पालना सूक्ष्म रूप से अपने हर बच्चे को बाबा दे रहा है। तो अभी हम चले बाबा के द्वारा, हम सबको 4 सब्जेक्ट्स के द्वारा पढ़ाई पढ़ाई जाती है। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। अब हम ज्ञान के आदि में जाएंगे। ज्ञान की जब शुरुआत हुई थी, हमारी दादियां क्या कहती, शुरू शुरू में ज्ञान का इतना विस्तार नहीं था। जब हम बैठते थे, बाबा के पास जाते थे, बाबा ने आत्मा का ज्ञान, आत्मा अंगूठे मिसल है, और ओम की ध्वनि सिखाई। तो आत्मा के बारे में बाबा ने ज्ञान दिया तो शुरुआत का ज्ञान था, और दादियों ने उसी आत्मा का ज्ञान, और परमात्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है, परम धाम। बस ज्ञान का बहुत छोटा सा रूप, सार रूप था, उसी सार रूप में निश्चय करके अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया। उसके पश्चात ज्ञान का देखो कितना विस्तार हो गया। फिर बाबा ने तीनों कालों का ज्ञान दिया, तीनों लोकों का ज्ञान दिया,
इतना ज्ञान का विस्तार बढ़ गया, आदि मध्य अंत का ज्ञान, वेदों का पुराण कुरान जिसमें सार रूप में जो लिखा है, जन्मों के बारे में बताया, बाबा ने हमको समय के बारे में ज्ञान दिया, जन्म मृत्यु के बारे में ज्ञान दिया और योग की गहन गति के बारे में। इस तरह से बाबा सुप्रीम टीचर बनकर हमको पहला जो सब्जेक्ट है ज्ञान का सार, फिर विस्तार रूप में हमने अपनी आंखों से देखा है बाबा अव्यक्त बाबा को शाम को 6 बजे आए हुए, इतना ज्ञान से हमको भरपूर करने में लगे पड़े। सवेरे 6 बजे तक, सवेरे 10 बजे तक भी निरंतर ज्ञान की गंगा बह रही है, ज्ञान की धारा बह रही है। तो इतना ज्ञान का विस्तार, उसके पश्चात विंस के द्वारा सेवाएं, अलग अलग वर्ग वालों की सेवाएं, तो समाज का कोई भी वर्ग रहा नहीं होगा जिसके बारे में ज्ञान न दिया हुआ हो। इतना विस्तार पूर्वक बाबा ने ज्ञान का स्पष्टीकरण दिया। शुरुआत में आत्मा परमात्मा और परम धाम, अब फिर विस्तार को पाने के बाद फिर मैं आज देखती हूँ फिर से हमें सार रूप में बैठने का समय। विस्तार अभी बहुत हो गया, अब फिर से भी सार में हमें टिकना है। अभी हम सब बैठते हैं तो ज्ञान का विस्तार नहीं, मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली और परमात्मा पिता की संतान, इस विस्तार को सार में समाकर और सार रूप में स्थित होने का। जैसे बीज होता है, बीज डालने के बाद वृक्ष वृद्धि को पा लेता है और फिर अंत में वही वृक्ष क्या हो जाता है, अपना सारा सार उस बीज में छोड़ करके वो वृक्ष समाप्त हो जाता। ऐसे ही मैं देख रही हूँ बाबा ने जो हमें ज्ञान का सब्जेक्ट जो पढ़ाया था, अभी विस्तार से सार में आने का समय। दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट योग का सब्जेक्ट, उस योग का सार क्या था, शुरुआत में दादियां कहती थी, उस समय हमारे पास कमेंट्री रिकॉर्ड गीत आदि कुछ नहीं हुआ करते थे। उस समय में हम लोग क्या करते थे, आत्मा ओम की ध्वनि में, ओम की ध्वनि में स्थित हो जाते थे, रिकॉर्ड भी नहीं बजता था। तो जैसे ही ओम की ध्वनि का उच्चारण किया, सब परम धाम का अनुभव, सत्युग की दुनिया का अनुभव, कोई सहारा नहीं, किसी भी प्रकार के साधन नहीं, सिर्फ ओम की स्थिति में स्थित होते, निज आत्मा की स्थिति में स्थित होते, एक प्रभु की लगन में मगन हो जाते, अपना सब घर शुद्ध बुद्ध सब भूल गया, एक उस सार स्वरूप ने सबको स्वाहा करा दिया। 14 साल योग भट्टी तपस्या उस सत्य सार स्वरूप की याद की स्थिति थी। उसके पश्चात हम योग की बहुत विस्तार में चले गए, त्याग क्या होता, तपस्या क्या होती है, ज्वालामुखी क्या होती है, योग भट्टी कैसे कराया जाता, 8 घंटे की भट्टी, 4 घंटे की भट्टी, भिन्न भिन्न भट्टियाँ, योग की अलग अलग अनुभूतियाँ, पहाड़ों पे जा कर के योग करना, अंदर बैठ कर के योग करना, 8 दिन का 7 दिन का। फिर हम योग के इतने विस्तार में गए, कमेंट्री के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, म्यूजिक के माध्यम से, आमने सामने बैठ करके, दिया जला करके, ये भी एक योग परमात्मा को याद करने के इतने विस्तार के साधनों को हमने अपनाया और अलग अलग स्थानों पे भी जा करके योग भट्टियों का आयोजन करना, सबको योग के लिए प्रेरणा देना, यहाँ तक कि सरकार भी इस योग से प्रभावित होकर देह समझ करके दैहिक योग का भी प्रचलन अभी चल पड़ा है। अब भाई बहनों, फिर से वो समय कौन सा आ गया जो आदि में था, फिर से भी अंत में हम लोगों को क्या करना है, इन सब विस्तार से समेट कर मुझ आत्मा का
मूल स्वरूप क्या है, अनादि स्वरूप क्या है, मैं आत्मा निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप चमकता हुआ सितारा हूँ, परम धाम की निवासी। पहला पार्ट भी हमारा आत्मा का और लास्ट लेसन भी हमारा क्या है, पहले दिन जब बाबा के पास हम आए थे, मैं देह नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, आत्मा की पहचान हमको मिली थी। अभी लास्ट वापिस हमको जाना है तो आत्मा समझ करके नहीं, आत्मा बन करके, जो मेरी रूहानी यात्रा रही, जो ज्ञान को मैंने सुना था, उस ज्ञान का ही प्रैक्टिकल स्वरूप योग के माध्यम से बनते हुए मुझे फिर से ज्योति स्वरूप अनादि स्वरूप में स्थित होकर वापिस अभी घर जाना है। तो आदि में भी आत्मस्वरूप और अभी अंत में भी मुझे निराकार ज्योति स्वरूप बन करके, जो आत्मा में ज्ञान भरा पड़ा है, गुण भरे हैं, शक्तियाँ, उन सबको समेट कर फिर से बीज रूप बन करके वापिस घर जाने का भी समय आ चुका है। ये है योग का आदि। सो विस्तार विस्तार से फिर आदि हम सार स्वरूप में स्थित हो जाए। तीसरा हमारा जो सब्जेक्ट है वो है हमारी धारणा का। शुरू शुरू में जिसको भी पूछो, ब्रह्मा कुमारियां माना क्या कहते थे, ये तो पवित्र बनाने की शिक्षा देती, इनके यहाँ खान पान शुद्धता की बातें बताई जाती है, पवित्र बनो योगी बनो। ब्रह्मा कुमारी माना ही पवित्रता का पाठ पढ़ाने वाले, ब्रह्मा कुमारी माना ही किसी के हाथ का नहीं खाओ। शुरुआत में ब्रह्मा कुमारी इसके प्रति ये प्रचलन हुआ था, फिर धीरे धीरे जब सेवा का विस्तार हुआ तो फिर बहनों ने कहने भी लगे, पहले अगर आपको ज्ञान अच्छा समझ में आता है तो पहले आप ज्ञान सुनिएगा, बाद में जीवन में धारणाओं को अपना देना। तो ऐसे कहते कहते विस्तार हो गया। तो विस्तार में धारणा का जो मूल स्वरूप जो पहला स्थान था तो कहीं ना कहीं बाद में चला गया। दैवी गुणों की धारणा भी हम लोगों ने कर लिया, शक्तियों को धारण कर लिया, जीवन के अंदर नियम मर्यादाओं को धारण कर लिया, तो ये सारे विस्तार में गए। अब फिर से समय की समाप्ति से पहले फिर से बाबा का इशारा क्या है, बच्चे पहला जो स्लोगन, पवित्र बनो योगी बनो। अभी हम पवित्रता को जीवन का पहली प्रायोरिटी देते हुए, अभी मुझे पवित्र बनना ही है, मुझे संपूर्ण योगी बनना ही है, और किसी बातों में न जाकर अभी देखिए। देखो प्यारे भाई बहनों, ये बीमारी भी क्या सिखा रही है हमको, बीमारी भी तो यही सिखा रही है, सोशल डिस्टेंस बना करके रखना। तो सोशल डिस्टेंस माना क्या है, एक एक मीटर दूरी पे रहना, ये भी तो पवित्रता का ही तो पाठ है। एक था भगवान ने कहा आप पवित्रता को धारण करो, अगर भगवान की आज्ञा पर नहीं माना तो प्रकृति ने परिस्थिति में जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा दे रही। एक ईश्वर की आज्ञा पर हमने पवित्रता को धारण किया तो प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे, अगर समय में किया मजबूरी से धारण किया तो उससे प्राप्ति तो होगी नहीं। तो अभी फिर से समय कौन सा आ गया, अपने जीवन को संपूर्ण पवित्र, तो एक मीटर दूरी पे रहना माना पवित्रता को जीवन में धारण करना। और ये बीमारी भी कहती है बाहर की कोई भी खान पान नहीं खाओ, कोई भी नॉनवेज नहीं खाओ। तो भगवान ने तो हमको पहले से सिखाया, जब से हम बाबा के बने हैं तब से हम सुन रहे शुद्ध अन्न को स्वीकार करना। अभी फिर से वो समय कौन सा आ गया कि शुद्ध अन्न को स्वीकार करना, जो आदि में था
जिस कारण से ब्रह्मा कुमारी इसको लोग बदनाम करते थे, पवित्रता का पाठ पढ़ाती है, शुद्ध अन्न के लिए कहते हैं। आज अगर हम इस संसार में जीना चाहते हैं, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, इन चीजों को कंपलसरी हमको पालन करना ही पड़ेगा। ये बाबा के महावाक्य छत्र छाया का कार्य करेगी, हमें सब प्रकार के वायरस से बचाने का एक सुरक्षा कवच बाबा के मर्यादाएं और बाबा की दिव्य जीवन की धारणा ही सुरक्षा कवच है। तो इस तरह से जो आदि में था फिर से अंत में ये सुरक्षा कवच के रूप में जो हमें अपने जीवन को पवित्र बनाने की प्रेरणा देता है। तो योगी बनो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ। अभी चौथा हमारा सब्जेक्ट है सेवा का। 14 साल तपस्या कराने के बाद प्यारे बाबा ने सभी दादियों को सेवा के क्षेत्र पे भेजा। जिस ज्ञान को योग से आप योग को आपने सीखा है, जन जन तक जाकर देने का कार्य करना। तो दादियां शुरुआत की बातें याद कराते हुए बताती हैं, जब हम शुरू शुरू में जाते थे सेवा में, खास दिल्ली के कंठे पे भी एक दादी सामने बैठती थी, 2-3 दादियां आगे बैठती थी, तो सुनाने वाली दादी वो भी बाबा के बच्चे, और सुनने वाले भी कोई नए जिज्ञासु नहीं होते थे। सुनने वाले भी कौन होते थे? सुनने वाले भी तो वही दादियां होती थी। तो अभी भी मैं देख रही हूँ कि जो आदि में, फिर बीच में कितना विस्तार हो गया सेवा का, कितने 7 दिन का कोर्स, कॉन्फ्रेंसी, शिविर, प्रोग्राम, मेगा प्रोग्राम, लाख का न जाने कितना सेवा का विस्तार हो गया। शुरुआत में सेवा का जो बीज डला था, एक दादी सामने, 2-3 दादियां सामने बैठ करके मुरली सुनाते थे, ज्ञान सुनाते थे, और विस्तार में इतना बृहद देश विदेश का समाचार भी हमने सुना, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, और एरोप्लेन के माध्यम से भी बाबा का सच्चा परिचय एग्जीबिशन के द्वारा भी हर जन मानस तक पहुंचाने की सेवा की। अब देखिए फिर से वो समय कौन सा आ गया, हर सेवा केंद्र पर अब फिर कौन मुरली सुनाता है, सुनने वाले कौन है? सुनाने वाली एक बहन जी और सामने बैठने वाले भी सेंटर निवासी, सेंटर पे रहने वाले ही, कोई नया जिज्ञासु तो सामने बैठा नहीं है। हाँ, साइंस के माध्यम से वो तो सुन रहे होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिकल सामने बैठ करके सुनने वाले, जो बहनें बैठ के सुनाती हैं, और दूसरा और सभी बहनें बैठ करके सुन रही है, और ज्ञान भी देखो सेवा का जो माध्यम कैसे सूक्ष्मता के ओर जा रहा है। मैं ये भी कहना चाहूंगी, पहले क्या होता था, एक व्यक्ति सुनाता था, दूसरे सुनते थे, माइक आदि साधन नहीं थे, माइक न होने के कारण जितने बैठते थे जहां तक आवाज जाती थी वहां तक ही ज्ञान सुनते थे, फिर माइक के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से सेवा भी क्या होती चली गई, सूक्ष्मता की तरफ चली गई। अब हम आमने सामने भल नहीं बैठे हैं, लेकिन दूर बैठे हुए भी ये सूक्ष्म साधन हमारी सेवा का माध्यम बने हुए। तो पहले तो 100 को 10 को 20 को, ज्यादा से ज्यादा 20-25 को कोर्स कराते थे। आजकल हम देख रहे हैं इसके माध्यम से जब हम सेवाएं करा रहे हैं तो 200-200 लोग, 300-300 लोग बैठ करके अभी कोशिश कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं,
ऐसे तो 300-400 लोग सिर्फ प्रोग्राम्स में हुआ करता था, लेकिन कोर्स सभी यूट्यूब के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, ये जो सेवा का सूक्ष्म सेवा और ज़्यादा पावरफुल होती चली जा रही। तो जैसे शुरुआत में सेवाओं का सूक्ष्म रूप था, अब समय आ चुका है फिर से हम इन सेवाओं का विस्तार को सार रूप में ले आने का। तो ज्ञान का भी विस्तार से सार, योग की स्थिति का भी विस्तार से सार, धारणा का भी सार और सेवाओं का भी अभी सार। जैसे बाबा ने शुरुआत में ज्ञान को सब कुछ, धारणा आदि सब पालना भी इतना प्यार से विस्तार रूप में कहा ना, अव्यक्त बाबा भी देखिए कैसे बैठ के 10-10, 12-12 घंटा बैठ करके एक एक पार्टी के पीछे, एक एक व्यक्तिगत रूप से हर प्रकार से बाबा ने पालना दी। अब बाबा का पार्ट भी सूक्ष्म रूप में चला गया, तो बाबा भी सूक्ष्म रीति से पूरे यज्ञ को चला रहे, पूरे कार्य को, ब्राह्मणों की पालना कर रहे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब समय वो आ चुका है बाबा की उन सूक्ष्म पालनाओं को महसूस करने का, अनुभव करने का। तो बाबा की सूक्ष्म पालनाओं का अनुभव करने के लिए हमें भी सूक्ष्मता की ओर जाना पड़ेगा। तो सूक्ष्मता की ओर जाने के लिए इससे अच्छा और कौन सा समय हो सकता है? तो मैं तो बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सारे दिन में अगर आप बाहर निकलेंगे नहीं, किसी विकारी व्यक्ति को देखने का भी मौका नहीं, न विकारी वातावरण, न विकारी व्यक्ति, न विकारी बोलचाल, इन सब बातों से। जैसे कि जैसे गवर्नमेंट में, हॉस्पिटल में हम सोचते हैं कि आइसोलेशन हो रहा है, तो ऐसा लगता है भगवान ने हमको भी स्पिरिचुअल आइसोलेशन में रख करके हम सबको स्थूलता से, विस्तार से भी सूक्ष्मता की ओर ले जा रहा। तो वही सूक्ष्म स्वरूप ही तो फरिश्ता स्वरूप है ना, उस फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने के लिए चलिए हम सभी प्यारे बाबा के उन महावाक्यों को याद करेंगे। फरिश्ता माना क्या है? फरिश्ता माना उड़ने वाले। उड़ना शरीर से नहीं, मन और बुद्धि को हम इतना हल्का करें, अपने नेचर को, अपने व्यवहार को, अपने सोच को इतना फ्लेक्सिबल बनाए, अपने नेचर को इतना एडजस्टिंग बनाए, इतना सरल बनाए। तो जब हमारे स्वभाव में, संस्कारों में सरलता आती चली जाएगी, एडजस्टिंग पावर आएगा, एक दूसरे के प्रति रिगार्ड, रिस्पेक्ट, जब व्यवहार में चीजें आती जाएगी, तो हमारी आंतरिक अवस्था हल्की होती चली जाएगी। तो फिर बाबा ने कहा था, 74 की मुरली है, इसमें बाबा ने ये कहा, फरिश्ता माना जैसा आप अपना रूप देख रहे हो, ऐसा ही एक लाइट का कार्प, चारों तरफ लाइट ही लाइट, ऐसे कार्प का आप अनुभव करना। तो चलते, उठते, बैठते उस लाइट के कार्ब का अनुभव करते हुए उसी स्वरूप में स्थित होने का, और एक दूसरे को देखे, ये भी लाइट के कार्ब में है, इनके मस्तक में भी लाइट चमक रही है। ये सारे दिन के अंदर हम अभ्यास करेंगे। एक होता है बैठ करके योग अभ्यास करना, और योग कितने घंटे बैठ के किया, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप हमारे कर्म क्षेत्र में भी वही स्थिति मेंटेन रहे। बैठे तो बहुत अच्छी अवस्था, बाकी कर्म क्षेत्र में साधारण रहे तो उसको अवस्था नहीं कहेंगे। तो जैसे बैठ करके जो मेरी हल्की अवस्था, परमात्मा की याद की अवस्था, चलते फिरते उठते बैठते उसी अवस्था को मुझे बनाए रखूंगी, तब जाकर के मैं फरिश्ता स्वरूप को प्राप्त करूंगी। तो मुझे एक बात याद आ गई,
एक बार अव्यक्त बाप दादा से मिलन का समय था। हम मधुबन बाबा के पास गए थे तो बाबा ने जब न्यू ईयर के उपलक्ष में मुझे वो घड़ी फरिश्ता कहते ही याद आती है, तो बाबा ने मुझे हाथ पकड़ करके केक, जो बाबा एक एक को मिलते थे, हाथ पकड़ करके बाबा ने मुझे केक दिया था न्यू ईयर के उपलक्ष में। तो जिस दिन बाबा ने मुझे हाथ पकड़ करके जो वरदान दिया था, दृष्टि दी थी, तो मधुबन में 2-3 दिन तक मुझे अनुभव है जैसे लगता था मैं शरीर में हूँ ही नहीं, चल रही हूँ, बैठ रही हूँ, ऐसा लगता था जैसे मैं उड़ रही हूँ। बाबा की वो एक दृष्टि, बाबा का वो स्पर्श, बाबा ने जो हाथ पकड़ा, जो वरदान दिया, 2-3 दिन तक मैं बार बार अपने हाथ को पकड़ पकड़ करके देखती थी मेरा हाथ है या नहीं है। लगता था जैसे पैर नीचे जमीन पे रख रही तो जैसे उड़ रहा है, ऐसा अनुभव बाबा ने मुझे कराया था। तो अब फिर से मेरा अंदर का संकल्प यही है, उसी स्थिति को मैं प्राप्त करूं जैसे बाबा ने मुझे टेस्ट कराया, अनुभव कराया, फिर से मुझे ऐसे ऊंचे फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करना। तो मेरा फरिश्ता स्थिति प्राप्त करना इस संसार के दुख दर्द को मिटाना। एक बार मुझे और एक बात याद आ गई, कुछ दिन पहले ही हमारे गेट के सामने कुछ लोगों ने आकर के जोर जोर से कहा कि दीदी कुछ अनाज दीजिएगा, अनाज दीजिएगा। 2-4 लोगों को तो हमने दे दिया, खूब भीड़ इकट्ठी होने लगी। तो मैंने सोचा ये तो सोशल डिस्टेंस तो हो नहीं रहा है, प्रशासन के लिए कोई बाधा ना डल जाए, तो फिर हमने देना बंद किया। मैं आकर के बाबा के कमरे में बैठी, मैंने कहा बाबा आपके द्वार से कोई भी खाली हाथ जाना नहीं चाहिए, अंतरात्मा नहीं मान रही, आकर के वो खड़े हैं, मैं दे नहीं पा रही भीड़ के कारण। तो फिर बाबा का मुझे टचिंग मिला, बाबा ने कहा इन सब दुख दर्दों को दूर करना है तो आपका फरिश्ता स्वरूप, आप संपन्न और संपूर्ण बन जाओ, तब ये सब परिस्थितियाँ, ये सब दुख दर्द संसार से समाप्त हो जाएंगे। तो प्यारे भाई बहनों, मुझे आज लग रहा है कि जब हम संपूर्ण पावन फरिश्ता बनेंगे तभी जाकर इस संसार के दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो क्योंकि मिलिट्री बना करके बाबा ने इतने सालों से हमको ट्रेनिंग दी है, तो अभी हम सबका फर्ज बनता है तो रूहानी मिलिट्री बन करके इस संसार के अंदर छाए हुए दुख और अशांति को दूर करने का समय, इतने दिनों की परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई, परमात्म प्यार, परमात्म शिक्षाओं का सबूत देने का भी समय आ चुका है। तो चलिए कुछ क्षण हम सभी उस पिता परमात्मा की याद में बैठकर विश्व की उन सब आत्माओं को एक सच्ची शांति, खुशी, प्रेम, निश्चिंतता का अनुभव कराए। कुछ क्षण के लिए हम कमेंट्री के माध्यम से उस श्रेष्ठ स्थिति का हम सभी अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मस्तक के बीच चमकने वाले मैं चमकता सितारा, ज्योतिर्बिंदु आत्मा, संसार रूपी नाटक को पूरा कर वापिस अपने घर जा रही हूं। मैं चमकता सितारा, बिल्कुल हल्की, ज्ञान योग के पंख लगाकर
सूरज चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस करते हुए सूक्ष्म वतन को भी पार कर लाल रंग का एक प्रकाश में दुनिया सितारों की दुनिया बहुत सारे सितारे कितना सुंदर अलौकिक अनुभव हो रहा। इस सितारों की दुनिया में एक दिव्य सितारा अपनी शक्तिशाली किरणों रूपी बाहें पसार कर अपने गोद में समेट लिया। मैं आत्मा उस प्रभु प्रेम में समा गए। सर्वशक्तिवान परमात्मा की शक्तिशाली किरणें शावर के रूप में मेरे ऊपर बरस रही है। उस ज्योतिर्बिंदु परमात्मा से निकलने वाले एक एक किरण मुझे स्पर्श कर शक्ति का संचार कर रहे। मैं परमात्मा की छत्र छाया में निश्चिंत निर्भय पावन पवित्र अभिनी किरणों को लेते हुए महसूस करो मुझ सितारे के इर्द गिर्द परमात्मा की किरणों की छत्री बनी है। उनको लेते हुए सूक्ष्म वतन में प्यारे ब्रह्मा बाबा उनके मस्तक पे शिव बाबा दिव्य प्रकाश में काया में अपने आप को भी फरिश्ता स्वरूप लाइट के कार में फरिश्तों की दुनिया में बाप दादा के साथ साथ हम सब एक बड़ा झुंड बनाकर एक दूसरे के हाथ में हाथ सब गोलाकार के रूप में नीचे पांच तत्वों की दुनिया पे ग्लोब के ऊपर खड़े होकर परम प्यारे शिव बाबा से शक्तिशाली किरणें लेते हुए महसूस करो बाप दादा की दोनों नैनों से पवित्रता शांति शक्ति निर्भयता की किरणें मुझ आत्मा को स्पर्श करते हुए पूरे ग्लोब पे फैल रहे हैं। पूरा विश्व परमात्मा की किरणों को महसूस कर रहा। इस दुनिया को सतो प्रधान बनते हुए देखिए हम सब फरिश्ते बाप दादा के साथ इन शक्तिशाली किरणों को फैलाकर
तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बना रहे, सुंदर सृष्टि को मुस्कुराते हुए हर आत्मा को दुख दर्द से मुक्त, ऐसी सुंदर सतो प्रधान दुनिया को देखते हुए मैं चमकता सितारा परमात्मा के द्वारा देवी इस कर्तव्य को सुचारू रूप से निभाने के लिए सशक्त हूँ। लाइट के कार में जहाँ जहाँ मेरी नज़र जाती है, जिस कर्म क्षेत्र में मैं बैठी हूँ, वहाँ परमात्मा के प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। इसी श्रेष्ठ संकल्प के साथ प्यारे बाबा को दिल से धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।